राधा रानी अलग अलग कल्प में अलग अलग जगह पर जन्म लेती है, कभी राधा रानी जन्म लेती है। इसी जो द्वापर युग में गई, इसी द्वापर युग में राधा रानी यहीं पर प्रकट होती है। इसलिए कल्पभद्र में अलग अलग जगह पर राधा रानी प्रकट होती है। हमारे श्री रूप गोस्वामी ललित माधव और विदग्ध माधव ग्रंथ में ज्ञान कथा सुनाया है। शंकर जी की जो पत्नी है ये पार्वती, और पार्वती के जो पिताजी कौन है, पार्वती के पिताजी कौन है, हिमालय। इसलिए हिमालय का संकेत क्या लक्ष्मी बताता है, इसलिए हिमालय पर्वत, इसलिए बड़ा अभिमान है। बोले देखो मेरे जो दामाद है ना, कौन है, देवदेव महादेव, जो कि महाजगी सत्यम शिवम सुंदर, उनका बड़ा अभिमान है। लेकिन हर पर्वत पर्वत जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर होता है ना, और भी कोई बोलता है, कोई जनता दल के कोई कांग्रेस दल के, अभी सब चाहते बड़ा है। इतने इतिहास चल रहे, देखा ये हिमालय का बड़ा अभिमान है। मेरे दामाद यही से, मेरे दामाद यही से, मेरे दामाद यही से, मतलब उन्होंने उपासना की ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, बोले बताओ ब्रह्मा को क्या चाहते हो, बोले मुझे एक दामाद की जरूरत। बोले कैसे दामाद, बोले ऐसे एक दामाद हो मेरे दामाद का जो सेवक ये शंकर बने, और शंकर जी से हर गुण से, शंकर जी के रूप में, रूप माधुर्य में, ऐश्वर्य में जो शंकर जी से भी बड़े हो वो कौन है, बोले श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कहने लाल की, इसलिए अभी कृष्ण दामाद का होगा, घर में बेटी हो तब तो दामाद होगा। अभी कृष्ण की आदि शक्ति स्वरूपिणी कौन है, उनकी शक्ति श्री राधा रानी। अगर राधा रानी इनकी बेटी बनती है, फिर तो जाकर के इस सबका ब्रह्मा जी ने दरखास्त बोलती है। लेकिन जो राधा रानी वो कृतिका सुंदरी की नित्य पुत्री है, इसलिए उनका पता कृतिका कुमारी कहते हैं, वृषभानु नंदन भी उनको कहते हैं, लेकिन ये इनकी ही नित्य पुत्री है। लेकिन इतने में कृतिका सुंदरी अभी गर्भधारण की, लेकिन ब्रह्मा जी वरदान दे दिए। क्या वरदान दे दिए, ठीक है ऐसे होगा। इतने में योग माया तो आदेश दिए, बोले एक काम करो, ये कृतिका सुंदरी की गर्भ से उनको आकर्षण करके स्थापन कर दो हिमाचल की जो पत्नी है, विंध्याचल की जो पत्नी है उसकी गर्भ में राधा जी को स्थापन कर दो। स्थापन करने पर एक साथ में विंध्याचल की पत्नी दो बेटी जन्म ली है, एक है श्री राधा और एक श्री चंद्रावती। उन्होंने दो बेटी को जन्म दिया। जब दो बेटी को उन्होंने जन्म दिए, इधर क्या हुआ, जिस समय कंस ने जिस समय हमारे वसुदेव महाराज गोकुल में आए और कृष्ण को रचे और यहाँ से जोग माया को लेकर चले आए, इतने में कंस को जो पता चला वसुदेव का बच्चा हुआ, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी देवकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस भक्त बताया, देखा बेटा नहीं बेटी हुई। इतने में कंस ने जब उसको पकड़ करके पछाड़ मारने के लिए गया, इतने में जो जोग माया थी वो आकाश में उड़ गई और अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोले, रे पुनः कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। देखो कंस वो अकेला जन्म नहीं हुए, उनका साथ में उनकी हाथी शक्ति स्वरूपिणी, उनकी स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी भी कहीं ना कहीं जन्म हुई है। वो अकेले जन्म नहीं लिए, इसलिए देवी कहती है, देखो मैं जितने सुंदरी है ना मुझसे ज्यादा सुंदरी वो है, मैं जितने बलवान हूँ मेरे से ज्यादा बलवान वो है। अगर वो लड़की को साथ में किसी की शादी हुई ना, वो व्यक्ति संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का मालिक बनेगा और सारे घर में ऐश्वर्य रत्न धान दौलत में घर भरपूर रहेगा, उसका पति कभी मरेगा नहीं, चिर अमर रहेगा। इसने उसने वो अष्टभुजा धारण करते हुए बोले, इसलिए कंस ने पुतना को भेज दिया, बोले देखो पुतना कहीं अगर बेटा मिले ना उसको मार देना, कहीं बेटा हो तो मार देना, अगर कहीं बेटी मिले ना उसको मारना नहीं, उसको लेकर के आ जाना, मैं शादी करूंगा। क्योंकि वो आकाशवाणी हुई और देवी ने बताया उनको शक्ति भी कई जन्म हुई है, इसलिए लड़की मिले तो उसको लेकर के आ जाना। इतने में पुतना चार तरफ में ढूंढ रहा है, पुतना चार तरफ में ढूंढ रहा है, कहीं भी कहीं बच्चा जन्म हुआ, किसी घर में कोई बच्चे पिता नहीं रहते, पता नहीं कौन कहां किस रूप में आकर के वो मार करके चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है।
इतने में विधा चलने बड़ा चिंता में पड़ गया, किसी घर में बच्चा नहीं रहता। मतलब मेरे घर में भी दो बच्चे हैं, एक राधा रानी और एक चंद्रावती। मेरे बच्चे का कभी अनहोनी नहीं हो जाए। सचमुच से पुतना तब घर में प्रवेश कर गई क्योंकि वो अपना इच्छा रूप धारण कर सकती है। कब उसने घर में प्रवेश की और राधा रानी और चंद्रावली ये दोनों को पकड़ करके पुतना उड़ करके ले चली। इतने में विंध्याचल को पता चला मेरे दोनों बेटी भी अपहरण हो गई। उन्होंने अपना पुरोहित को बुलाया और उच्चारण मंत्र प्रयोग किया, बल्कि पुतना को मार डालो इस तरह से। इतने में जब उन्होंने उच्चारण मंत्र को प्रयोग की, इतने में पुतना ने छटपट 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 करने लग गई। और उन्होंने पास में चंद्रावली का गाँव है, थोड़ी दूर चंद्रावली का गाँव है, उन्होंने चंद्रावली को तो वहीं पर छोड़कर चले गए और यहीं पर से राधा रानी को छोड़ करके और यहीं पर चले जाते हैं। वृषभ महाराज घर में एक बेटी एक बेटा है जिसका नाम श्रीदाव है, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं। इनकी इच्छा घर में कोई एक बेटी होनी चाहिए। अब देखना घर में कोई बेटी होना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, घर में कौन आई? लेकिन बेटा आए कोई नहीं कहता नारायण आया, बेटी आए तो कहते घर में लक्ष्मी आई। इसलिए बेटी को जो दान दी जाती है वो लक्ष्मी रूपा मांग करके दान दी जाती है। और बेटियों पत्तों का हाथ का ऊंचा रहता है और बेटा पत्तों का हाथ नीचा रहता है। इसलिए वृषभानंद महाराज की मैंने इच्छा करी थी लाली भी होनी चाहिए, लेकिन गर्भवती रखी कीर्तिका सुंदरी, लेकिन उनका गर्भ अपहरण हो गया। वृषभानंद महाराज प्रत्यह यहाँ पर जमुना के पास में जमुना नहीं बहा करती थी, जमुना रोज वृषभानंद महाराज जमुना में जा करके रोज स्नान करते थे। जब वृषभानंद महाराज गए स्नान करने के लिए जमुना में, देखा एक सततल कमल पुष्प के ऊपर में बड़ी सुंदरी बड़ी एक प्यारी कोई एक छोटी बालिका किलकारी मारते हुए खेल रही है और अपना अंगूठा पुष्प रही है और उनका शरीर ज्योति से चतुर्दिग से उद्भास हो रहा था, आलोकित हो रहा था। इतने में वृषभानंद महाराज पानी में जमुना में उतरे और उन्होंने बेटी को उन्होंने उठा लिया। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। और वो बेटी को ला करके श्री कीर्तिका सुंदर की उदय देखो कीर्तिते ठाकुर की हमारे ऊपर विशेष कृपा। हम सोच रहे थे घर में एक लाली होनी चाहिए, देखो ठाकुर जी हमें एक लाली दी है, लेकिन लाली तो उनकी लाली लेकिन किसी तरह से अपहरण हो गई थी। अभी वो राधा रानी को बड़ी प्रीति पूर्वक राधा रानी को पालन कर रही थी, लेकिन राधा रानी जब से प्रकट हुई वो तब से आंख बंद करके रखी। क्यों? बोले जब मैं सरल रखो मैं अपना आंख खोलूंगी मेरी प्रियतम श्री श्याम सुंदर को देखूंगी, उससे उसको बात न कर दुनिया को मैं देख सकती। इसलिए वो आंख बंद करके रखी। इतने में नारद जी ने देखा ये पास में गोकुल है, कृष्ण वहां पर प्रकट हो चुके हैं। बोले कृष्ण कभी अकेले कहीं आते नहीं, जरूर अपना शक्ति के साथ में आते। इसलिए नारद जी गली गलियों में ब्रज ब्रज में जा जा करके राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण की हाजिरी शक्ति स्वरूप शक्ति कहां राधा जी रहते, लेकिन कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपक लता, लेकिन राधा रानी नहीं मिल रही। जब यहीं पर आए वृषभानंद महाराज को पूछे घर में कोई संतान भयो है? हाँ, तो उन्होंने सिद्धार्थ भैया को दिखाए। बोले नहीं कोई लाली भाई है क्या? लाली को उन्होंने यमुना से प्राप्त की। बोले बताओ एक लाली भी। जब लेकर के आए नारद जी को देखते ही प्रेम गदगद हो गए। बोले यही तो रमेश्वरी रमेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी श्री राधिके नमस्ते। इनको तो मैं ढूंढ रहा था गली गलियों में घर घर में, वो तो राधा रानी यहीं पर प्रकट हुई है, यहीं पर जन्म हुई। नारद जी की इच्छा है थोड़ी सी राधा जी को स्तुति करे, लेकिन स्तुति करे कैसे? क्योंकि उनको पिता माता सोचते हैं कि हमारी लाड़ी लाली है क्या करी, उनको बताया नहीं, वही तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। इतने में उन्होंने बहाना बनाया, बोले काम करो घर से कभी फूल चंदन अगुर ले आओ कुछ ले आओ, तुम्हारी बच्ची को कितना आशीर्वाद देना चाहती। जब श्री वृषभानंद महाराज कृतिका सुंदर गए, इतने में राधा रानी किशोरी बनकर प्रकट हो गई। ललिता ने कहा बाबा क्या देख रहे हो, जल्दी से स्तुति करो नहीं तो राधा रानी अभी अभी अंदर ध्यान हो जाएगी। इतने में नारद तो प्रेम गदगद होकर के बोले मुनिन्द्र बिंद बंदिते कृपा
मेरा बॉन्ड होगा मैं बात करूंगा। नारद प्रेम में गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, राधा जी के दर्शन मिले। इतने में वृषभानंद महाराज पूरा ब्रज मंडल में ढिंढरा पिटवाए, मेरे घर में लाली गई है, आओ सबके सब बधाई देने के लिए आए। सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए, मैया कीर्ति की मैया को बधाई देने के लिए आए। इतने में नंद जसोदा भी आए, जसोदा मैया अपना लाला कन्या को लेकर के आए। अल्लाह को एक राजा का बेटी एक रानी राजा, दोनों ही राजा का बेटा की बेटी। जिस पलक में श्री किशोर जी लेट हुई थी उसी पलक में श्री श्याम सुंदर को लेटा दिया। इतने में श्याम सुंदर कृष्ण ने राधा जी के ऊपर हाथ रखते ही उनको रोम रोम खिली उठी और प्रेम में गदगद हो गई। उनको पता चला मेरे प्रियतम आ गए। इतने में श्री राधा रानी आँख खोलती है। जब आँख खोलती है सर्वप्रथम उन्होंने किसको दर्शन किया? श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया। बोले श्रीमती राधा रानी की है। तो उन्होंने वृषभानंद महाराज तो उत्सव कर ही रहे थे, जब देखा हमारा लाली ने आँख खोल दी, फिर तो धूमधाम से बोले लाली जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। हरे कृष्ण सत्य।